मैं इतनी आसानी से नहीं जाऊंगा। आईजी सिंध पुलिस कलीम इमाम डट गए। कराची में तकरीब से खिताब के दौरान उनका कहना था कि ना तो मेरा तबादला हुआ है और ना ही कहीं जा रहा हूं। मेरे खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हुई। इस तकरीब को मेरी फेयरवेल में तब्दील कर दिया गया। ट्रांसफर हुआ भी तो मैं 1.25 लाख का ही रहूंगा। मेरे खिलाफ एक बड़ी शदीद साजिश हुई है। ये तसव्वुर किया जा रहा है कि मैं ट्रांसफ़र हो गया हूँ और ये इस तकरीब को उन्होंने एक ट्रांसफ़र सेरेमनी में कन्वर्ट कर दिया है। पहली बात यह कि अभी इतनी आसानी से ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। जब जाऊँगा अपने मुकद्दर से जाऊँगा और जब जाऊँगा वो ट्रांसफ़र नहीं होगी, वो एक नई एवोल्यूशन होगी। ट्रांसेंड करूँगा मैं, एक नए मराइल पर जाऊँगा मैं। ये तकरीब कुछ और थी और हम किसी और तरफ उसको लेकर चले गए। सिंध पुलिस वाले शायद पैसे बचाना चाह रहे हैं मेरी फेयरवेल तकरीब के लिए, अगर कभी ट्रांसफर हुआ तो। लेकिन मैं अगर गया भी कहीं तो मैं हाथी 1.25 लाख का ही रहूँगा, फिक्र ना करेगा।